ट्रांसफर ऑफ हीट, स्टूडेंट्स देखते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट जो कि लास्ट चैप्टर में हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि हीट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। यहां पर हम पढ़ेंगे कि हीट एक जगह से दूसरी जगह किस तरह शिफ्ट होता है। तो अगर इसको हम रिवाइज कर ले हीट के डेफिनेशन को, हम कहते हैं कि सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो इसको हम एज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। यानी आपके पास फॉर एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक की थर्मल एनर्जी ज्यादा है और दूसरी की थर्मल एनर्जी कम है, तो ज्यादा कंसेंट्रेशन वाली से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जो शिफ्ट होती एनर्जी उसको हम फिर कहते हैं हीट। और देखिए ये किस तरह ये मैकेनिज्म होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स है, सपोज कंसीडर कर ले ये एक ब्लॉक है, एक सॉलिड ब्लॉक आप कंसीडर कर ले। इसमें फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं लेट हमारे पास है फोर मॉलिक्यूल्स, इसी तरह आपके पास एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, एक दूसरा ब्लॉक है, उसमें टोटल हमारे पास है टू मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल। अगर आप इनकी थर्मल एनर्जी एज्यूम कर ले, हम कहते हैं कि एज्यूम कर ले कि इसकी थर्मल एनर्जी टोटल हमारे पास है 20 जौल, यानी इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी है वो कितनी है 20 जौल। इसी तरह हमारे पास इसकी जो टोटल इंटरनल एनर्जी वो हम एज्यूम कर लेते हैं जस्ट कि वो हमारे पास है 20 जौल, यानी दोनों की जो इंटरनल एनर्जीज है वो इक्वल है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी तो दोनों की इक्वल है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट हमें ज्यादा हॉट लगेगा या कौन सा ठंडा लगेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल हम इसको टच कर ले इस ऑब्जेक्ट को, तो देखें इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है और एनर्जी इसके 20 जौल, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये एनर्जी सारे मॉलिक्यूल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इन सब मॉलिक्यूल्स को इक्वल एनर्जी मिलेगी, तो हर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी जाएगी, 20 को अब इन फोर मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड कर ले तो इनमें हर एक मॉलिक्यूल के पास होगी 5 जौल एनर्जी, यानी पर पार्टिकल एनर्जी जो होगी वो होगी 5 जौल। इसी तरह अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर भी 20 जौल एनर्जी है लेकिन टू मॉलिक्यूल्स है, तो हर एक मॉलिक्यूल्स को इक्वल एनर्जी मिलेगी, इसलिए 20 आप इन पे डिवाइड कर लेते। देखिए अब यहां पर एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी है 10 जौल, यानी पर पार्टिकल एनर्जी इसकी इस सेकंड ऑब्जेक्ट की वो ज्यादा है फर्स्ट ऑब्जेक्ट से, लेकिन हम देख रहे हैं टोटल एनर्जी जो है वो इक्वल है लेकिन पर पार्टिकल एनर्जी वो डिफरेंट है। तो पर पार्टिकल एनर्जी जो है एक्चुअली वो हमें क्या शो करती है, वो हमें शो करती है डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस अगर हम इसको जस्ट कहें कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस या मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस। तो आप देखें इसको आप टच कर ले और फर्स्ट बॉडी को आप टच कर ले, जो सेकंड बॉडी वो आपको ज्यादा हॉट लगेगी क्योंकि इसमें पर पार्टिकल एनर्जी 10 जौल है, उसकी है 5 जौल, तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जब इसकी एनर्जी ज्यादा है तो अगर आप इन दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंटेक्ट में ले आए, इन दोनों को फिजिकली टच कर ले आप, तो आप क्या देखेंगे, चूंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है थर्मल एनर्जी, तो हम कहते हैं कि इसकी एनर्जी ग्रेटर है फर्स्ट से, इसीलिए यहां से फ्लो होगी एनर्जी इसकी तरफ, चूंकि इसका कंसेंट्रेशन जो है वो हाई है हमारे पास, यानी थर्मल एनर्जी का कंसेंट्रेशन हाई है और इसका लो है, तो ये फिजिक्स के रूल है, नेचर के रूल्स है कि हमेशा हाई कंसेंट्रेशन से लो की तरफ एनर्जी फ्लो करती है, तो यहां पर भी यही फ्लो होता है। तो अब जो एनर्जी यहां पर फ्लो करेगी इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो एनर्जी ट्रांसफर होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम हीट कहेंगे। अब ये तो हमने जस्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ी कि हम हीट किसको कहते हैं, जो कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो वहां पर जो एनर्जी शिफ्ट होती है उसको हम कहते हैं हीट। अब इसके हमारे पास मैकेनिज्म्स कौन से हैं, यानी किस तरह ये हीट ट्रांसफर होता है, वो बेसिक फिनोमिनन कैसे हैं, किस लॉजिक के तहत ये एनर्जी हमारे पास शिफ्ट होती है, तो यहां पर हम जस्ट इन तीनों मैकेनिज्म्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बाद में इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट यहां पर इनको इंट्रोड्यूस करते हैं कि किस तरह तीन जो हमारे पास मैकेनिज्म्स हैं, जिसको मैं एक को कंडक्शन कहते हैं, दूसरे को कन्वेक्शन और तीसरा हमारे पास है रेडिएशन, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर ले, फर्स्ट यहां पर हमारे पास है एक आयरन रॉड है, आप कंसिडर कर ले आयरन रॉड। अब हम ये चूंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट को आप अगर हीट अप कर लें, यानी इसको हीट प्रोवाइड कर लें, तो क्या होगा, जब आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे, चूंकि हीट हमारे पास क्या है, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, चूंकि अभी हम इसको पढ़ चुके हैं अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो जब आप इसको एनर्जी प्रोवाइड कर लेंगे इस ऑब्जेक्ट को,
तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, अंडरस्टूड बात है, वो बढ़ेगी, यानी ये हीट एनर्जी जब इसको मिल जाएगी, देखिए इस एंड को हम जस्ट हीट दे रहे हैं, बाकी जो एंड है उसको हम हीट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जब आप इस एंड को हीट देंगे तो देखिए इस मॉलिक्यूल को फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं पहले एनर्जी मिल जाती है, जब इसको एनर्जी मिल जाती है इस मॉलिक्यूल को, तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सॉलिड के जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं, यानी अपनी पोजीशन के ऊपर ही वाइब्रेशन करते हैं, इस बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं जिसको हम वाइब्रेशन कहते हैं। जब आप इसको एनर्जी और भी प्रोवाइड करेंगे तो देखिए इसके वाइब्रेशन और वेगोरस बन जाते हैं, यानी इनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और जिस एम्पलीट्यूड के साथ ये वाइब्रेशन करते हैं वो भी बढ़ जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, यानी इसका मतलब ये कि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली हम किसको कहते हैं, वो हम टेम्परेचर को कहते हैं। तो अब हम कहते हैं कि जो फर्स्ट मॉलिक्यूल है उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब फर्स्ट मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ गया, अब चूंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स वाइब्रेशन करते थे इसलिए हम कहते हैं इनमें क्या होता है, कोलिजन होता है, यानी एक दूसरे के साथ टकराते रहते हैं। तो जब इसका टेम्परेचर बढ़ गया फर्स्ट मॉलिक्यूल का, और दूसरे का टेम्परेचर अभी नहीं बढ़ा है, उसका इनिशियल टेम्परेचर है, तो दोनों में डिफरेंस है, यानी इसका टेम्परेचर कम है इसका ज्यादा है। तो जिस तरह पहले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा कि जब टेम्परेचर डिफरेंस हो तो फिर इससे एनर्जी शिफ्ट होती है दूसरे मॉलिक्यूल को, देखें अब एनर्जी इसको शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि कोलिजन भी करते हैं, तो इसको एनर्जी मिल जाएगी। जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो बिल्कुल इसी तरह ये अपनी एनर्जी तीसरे को शिफ्ट करेगा, इसको एनर्जी मिल जाएगी, इसी तरह ये इसको शिफ्ट करेगा। तो देखिए आप देख रहे हैं कि कोलिजन की वजह से जो एनर्जी है वो शिफ्ट हो रही है एक एंड से दूसरे एंड तक। तो कुछ टाइम गुजरने के बाद आप देखेंगे कि ये एंड जो है ये भी हाई टेम्परेचर पर चला जाएगा, यानी इसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी किस तरह शिफ्ट होती है मॉलिक्यूल्स के टकराने की वजह से एक दूसरे के साथ। तो जब इस तरह का मैकेनिज्म हमारे पास हो जिसमें मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं और उस वजह से एनर्जी शिफ्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। और मेनली हमारे पास ये किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में। चूंकि अगर आप लिक्विड्स को देखें या गैसेस को, तो उनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी फॉर एग्जाम्पल इसको आप लिक्विड कंसिडर कर लें, तो देखिए जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो तो उनमें कोलिजन कम होगा, जब कोलिजन कम होगा तो हम कहते हैं कि कंडक्शन जो है इस मैकेनिज्म में लिक्विड्स में हमारे पास कंडक्शन जो है वो इतना रोल प्ले नहीं करता। इसी तरह अगर आप गैसेस को ले लें तो उसमें तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, यानी नेग्लिजिबल हम कहते हैं कि इनमें हमारे पास कंडक्शन होता है, क्योंकि उनके जो कोलिजन है वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो मेनली हमारे पास ये कहाँ पर होता है, सॉलिड्स में होता है। इसी तरह अगर हम दूसरा मैकेनिज्म पढ़ लें जो हमारे पास है कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन में अगर हम एक सिंपल एग्जांपल फर्स्ट ले लें, आप वाटर कंसीडर कर ले जो कि हमने एक बीकर में रखा हुआ है, हमने फॉर सिंपलिसिटी ये कुछ मॉलिक्यूल्स इसके शो किए हुए हैं। तो जब आप इसको हीट अप करेंगे तो देखिए फर्स्ट किस ऑब्जेक्ट किस मॉलिक्यूल को हीट पहुंचेगा, जो बॉटम पर है क्योंकि ये इस फ्लेम के नजदीक है, तो इसको पहले हीट पहुंचेगा। जब इसको हीट पहुंचेगा तो देखिए इसकी एनर्जी, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम कहते हैं कि हीट देने से एक्चुअली क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। जब इससे एक्सपेंशन होता है तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल हल्का हो जाएगा, इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। जब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो ये क्या करता है, ऊपर चला जाता है, बिकॉज ये हमारे पास रूल्स है कि जिसकी डेंसिटी कम हो वो हल्का होता है, ऊपर चला जाता है। तो इसकी जगह पर क्या आता है, चूंकि यहां से एक मॉलिक्यूल चला गया तो इसकी जगह एक ठंडा मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी कम है, जिसका टेम्परेचर कम है, वो इसकी जगह आ जाता है, फिर वो एनर्जी गेन कर लेता है, वो ऊपर जाता है, फिर उसकी जगह एक और मॉलिक्यूल आता है। तो आप देख रहे होते हैं कि यहां से मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन कर लेते हैं और ऊपर की तरफ मूवमेंट करते हैं, यानी वो एनर्जी अपने साथ ऊपर ले जाते हैं। तो ये उसी तरह हमारे पास एक मैकेनिज्म है जिसमें एनर्जी शिफ्ट होती है, लेकिन इसमें एनर्जी शिफ्ट होने के साथ साथ मॉलिक्यूल्स भी शिफ्ट होते हैं, यानी इसमें मैटर भी शिफ्ट होती है। तो इस तरह मैकेनिज्म्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेक्शन, यानी इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स और एनर्जी जो है वो दोनों एक साथ शिफ्ट होते हैं। इनको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जो तीसरा हमारे पास है वो है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन में हमारे पास ना तो कंडक्शन होता है ना कन्वेक्शन, यानी मॉलिक्यूल्स के जरिए एक्चुअली हीट ट्रांसफर नहीं होता, ये एक्चुअली विदाउट मीडियम हमारे पास हीट ट्रांसफर होता है। अगर आप सन को देखें, सन से हमें एनर्जी पहुंचती है बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्थ को, तो देखें सन और अर्थ के दरमियान क्या है, वैक्यूम है, यानी यहां पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स नहीं होते लेकिन फिर भी हमें एनर्जी पहुंचती है। तो जब विदाउट मीडियम हमें एनर्जी पहुंचती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएशन। और जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास है वो हर एक टेम्परेचर पर रेडिएशन करते हैं, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालते हैं, मिट करते हैं,
जो अपने साथ एनर्जी ले जाते हैं, और जो एनर्जी वो ले जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेडिएंट एनर्जी, इसको हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। अब ये तीनों टॉपिक्स हम नेक्स्ट डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह इनका जो बेसिक डेफरेंस है हमारे पास उनको हम किस तरह डिस्कस करते हैं।